साथियों, आज हम केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के नवीबाग स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक जो मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ये मशीन का प्रदर्शन, इसको जीरो ट्रिल के बाद विकसित की हुई नई मशीन है, सिलेट ट्रिल। प्रायः जीरो ट्रिलेज में हम धान को काटने के बाद उसका पुआल भी हटाना पड़ता था, लेकिन इस मशीन के माध्यम से हम जो है धान को हार्वेस्टर से काटने के बाद बुवाई कर सकते हैं। इसमें हमने आगे रोटावेटर का अरेंजमेंट किया हुआ है, रोटावेटर में रोटरी ब्लेड लगाए हुए हैं और वो ब्लेड के आगे कम्पैक्ट व्हील लगाए हुए हैं, हर एक रो के लिए एक जो है कम्पैक्ट व्हील लगा हुआ है। कम्पैक्ट व्हील के माध्यम से जो पुआल है वो पुआल को हम दबाते हैं, पीछे से रोटावेटर के जो रोटरी ब्लेड है ब्लेड से कटिंग होती है, कटिंग होके उसी जगह जिस जगह पर हमें बुवाई करनी है उसी लाइन में हम फरो ओपनर को फिट कर देते हैं। ये जो हमारी टाइन्स है सेम उसी लाइन में फिक्स रहती है, तो हम इसमें सीधी धान के बाद बुवाई कर सकते हैं। इसमें भी किसान भाइयों, हम लोगों ने डबल पेटी का उपयोग किया है। हम इसमें बीज को हमेशा ट्रीट करके, केमिकल से ट्रीट करके बुवाई करते हैं, जिससे कि इस समय नमी होने के कारण जो ज़मीन में कुछ कीड़े होते हैं, कुछ फंगीसाइड लगते हैं, वो नहीं लगते हैं। और गेहूं के साथ खाद भी हम अलग अलग बो सकते हैं। इस मशीन में और एक विशेषता है, रोटावेटर से हम एक निश्चित गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन इसके जो फरो ओपनर हमने लगाए हुए हैं ये एडजस्टेबल है। इसमें एक एक इंच का होल बना हुआ है जिसके माध्यम से हम इसे जितना चाहें, अगर हम कई बार गेहूं की जगह चना बोना चाहते हैं तो हम और नीचा भी बो सकते हैं, या हम कभी धान में ज़्यादा नमी कम हो जाती है तो हम थोड़ी गहरी भी बुवाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो एडजस्टर लगा हुआ है इसके माध्यम से हम जो है बीज को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो धान के समय जितना हमारा खेत बुवाई के समय देरी होती है, इसमें हम इस मशीन के माध्यम से वो जो 15 से 20 दिन का 25 दिन का समय है वो हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और लाभ है कि हम एक बार जुताई करते हैं, खेत में ढेले निकल आते हैं, फिर हमें रोटावेटर चलाना पड़ता है, तब तक नमी ख़त्म हो जाती है, फिर हम पलेवा करते हैं, तब हम जा कर के बुवाई कर पाते हैं। अतः हम तीन ऑपरेशन करते हैं और एक बार पानी लगाते हैं। इस मशीन के माध्यम से ये तीनों ऑपरेशन को एक ही बार में किया जा सकता है, खेत तैयार भी हो जाता है और बुवाई भी हो जाती है, और हमारा 25 दिन का जो समय बचता है वो खास तौर से हमारा जो मार्च का समय होता है, जब हमारा खेत फसलें पकने को तैयार होती हैं, तब देख रहे हैं हम किसान भाइयों मौसम में एकदम से परिवर्तन आता है। आप लोग देखते होंगे एकदम से धान की जो आखिरी की फसलें होती हैं वो हरी होती हैं, और उसी समय मौसम में एकदम से गर्मी आ जाती है। गर्मी आ जाती है तो जिस स्थिति में फसल होती है उसी स्थिति में पकना चालू हो जाती है। अगर हम इस तरह की जो सिलेट ट्रिल या हैप्पी सीडर के माध्यम से हम अगर बुवाई करेंगे तो वो 25 से 30 दिन का समय बचेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि उन्नत तकनीक की खाद और बीज डबल पेटी बुवाई से बुवाई करें और अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद।